हालिया दिनों में सर जिस तरह बिहार की राजनीति में खासकर जदयू में घमासान मचा हुआ है आरसीपी सिंह की बयानबाजी को लेकर, उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जिस तरह से उन्होंने कहा है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। देखिए, आरसीपी साहब के बयान को हम लोग नहीं देखे, उन्होंने यह नहीं कहा कि नीतीश जी नहीं बन सकते और जेडीयू में कहीं कोई घमासान नहीं मचा हुआ। सभी जेडीयू के नेता ने अधिकृत कर दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे वही चलेगा। इसलिए वैसे तो तरह तरह का मीडिया है, अखबार है, अपने अपने ढंग से लोग लिखते हैं। और आरसीपी साहब तो यह भी कहे कि हम पार्टी में हैं, आगे भी बिल्कुल हम बने रहेंगे, जो पार्टी जवाब देगी हम उसका निर्वहन करेंगे। इसीलिए कोई तरह की बात जनता दल यू में नहीं, पार्टी के अंदर खाने इसको लेकर कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं। सांसद जी, एक और सवाल है। लगातार जिस तरह से आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जी गरीबों के कल्याण, उनके उत्थान के लिए कई योजना चला रहे हैं और हालिया दिनों में भी, चाहे कल हो या आज, लगातार जो है उनकी योजनाएं और क्रियान्वयन में लाने के लिए सीधे जिला स्तर पर भी, ग्रामीण स्तर पर भी, प्रखंड स्तर पर भी लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम किए जाते हैं। कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए अपने जिला और लोकसभा से भी बहुत बच्चे हैं, उनके लिए भी कई योजना की शुरुआत की गई है, उस पर आपको क्या लगता है? क्या वाकई में जिस गरीब हितैषी और सबका साथ सबके विकास को नारा लेकर चलने वाली ये पार्टी भाजपा है, जदयू है, जिस तरह से दोनों का अलायंस चल रहा है, आपको लगता है कि उचित में जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी भलाई के लिए सरकार काम कर रही है? निश्चित गरीब के लिए काम कर ही रही है भारत सरकार के यहाँ से भी, गरीब के लिए कल्याण की योजना। फिर मध्यवर्गीय जो लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, सभी के लिए योजना। लेकिन आप स्मरण करिए कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतनी योजना को लागू किए कि उसको एक साथ नहीं बोला जा सकता। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है कि जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया और लोगों को सहायता नहीं दिलाई। बच्चे के लिए कई तरह की योजना, साइकिल योजना, कपड़ा वस्त्र दिया गया, और जो शादी शुदा महिला है उसके लिए भी योजना, जो गर्भवती होती है उसके लिए भी योजना, फिर उसके बाद भी कई तरह की योजना है। मतलब एक भी सेक्टर नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या जो योजना है उससे कोई अछूता नहीं है, सबको लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी आज भी शिमला से वर्चुअल कर रहे हैं और सभी जिला के प्रतिनिधि वगैरह उसमें रहेंगे। यह तो सराहनीय कदम है, अच्छी बात है। तब तो लोग जानेंगे कि मूल्यांकन जब करते हैं कि कौन अच्छे मुख्यमंत्री राज्य के, कौन देश के अच्छे प्रधानमंत्री, तो जो गरीब के लिए और अन्य लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए तो काम सरकार करती है। सांसद जी, एक सवाल मेरा और, ज्ञान बापी मामले में आप देखेंगे लगातार जिस तरह से अभी प्रमाण आया है कि शिवलिंग वहां पर है जिसको माउंटेन फाउंटेन के रूप में वहां पर दर्शाया जा रहा था, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये जो ज्ञान बापी मामला चल रहा है, मामला कोर्ट में है, लेकिन आप लोग क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए? मामला कोर्ट में है, उस पर कुछ बोलना उचित नहीं है। और इसी देश में यह सब होते रहता है। दूसरे देश में जाइएगा तो लोग निश्चिंत है, दूसरे काम में लगे हुए हैं, इस सब उलझन में वहाँ के लोग नहीं पड़ते। अभी शिवलिंग है तो शिवलिंग रहना चाहिए, या जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जो कुछ कह रहे हैं उसकी सुनवाई तो कोर्ट में हो रही है। तो कोर्ट में जब हो रही है तो कोर्ट का जो निर्णय होगा, जैसे राम जन्मभूमि पर निर्णय आया, सभी पक्ष के लोगों ने माना तो उसी तरह से मानेंगे। अंतर तो कोर्ट का ही निर्णय अंतिम निर्णय होता है। सड़क के मामले में हमने देखा है आपके लोकसभा में कई जगह पर अच्छे पैमाने पर काम काज हो रहे हैं सांसद जी, लेकिन मुख्य मार्ग इतना विलम्ब क्यों, इस पर थोड़ी सी प्रति का आपका काम हो रहा है। NH 107 में NH 106 में जो बिल्कुल से बीरपुर है उसमें भी काम हो रहा है, और आप तो उदा किशनगंज से लेके बीरपुर तक उसी में 6.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज बन रहा है, फोर लेन ब्रिज होगा। फिर अभी बीरपुर से लेके उदा किशनगंज तक फोर लेन सड़क होगा, और जो रेस्ट इधर बचेगा
उसके लिए भी आगे प्रयास किया जाएगा कि अभी फोर लेन हो जाए। सांसद जी, सहरसा के लोगों की एक मांग काफी लंबे समय से चल रही है ओवर ब्रिज को लेकर, उस पर भी थोड़ा। अरे ओवर ब्रिज के बारे में सभी लोग जानते हैं, ओवर ब्रिज तो बनना है, ऐसी बात नहीं। ओवर ब्रिज की स्वीकृति बाढ़ 96-97 में भी हुई थी। उस समय के जो बाद में आए तत्कालीन रेल राज्य मंत्री दिग्विजय बाबू, तो आके यहाँ शिलान्यास भी किए। फिर संयोग हुआ कि 14 के बाद हम लोग नहीं रहे और लालू जी रेल मंत्री हो गए।